नमस्ते फ्रेंड्स, एमजी फैमिली किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की रेसिपी है चना चाट चटपटा। जैसे ठेले वाले में मिलता है वैसा ही चना चटपटा बनाने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी और आसान है। इसको 2-3 मिनट में बनाकर खा सकते हैं। पहले से ही मैंने यहाँ पर कढ़ाई पर ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पर मैंने काला वाला चना को अच्छी तरह से धो के उसके बाद 3-4 घंटे भिगो के उसके बाद मैंने इसको बॉईल करके लिया है। देख सकते हैं, मीडियम साइज को प्याज को मैंने बारीक से काट लिया है। 1 स्पून चाट मसाला, मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ टमाटर, नमक, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 1 कटोरी, 4 हरा मिर्च को भी बारीक से काट लिया है, 1 स्पून नींबू का रस, 1/2 स्पून काला नमक, 1/2 स्पून भुना हुआ जीरा, 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर। देख सकते हैं ये ऑयल गरम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी ये बॉईल किया हुआ चना। डालने के बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही कम आंच में फ्राई करूंगी। 2 से 3 मिनट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा, इसको भी मैं 1 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए आने वालों की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये चना फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकालूंगी। कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 स्पून काला नमक, 1/2 स्पून नमक, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला है तो डालिएगा, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, नींबू का रस, इन सारे चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से बनाया हुआ चना चाट या चटपटा चना ठेले वाले में जैसा मिलता है वैसा ही बनता है और उससे भी बहुत ही टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, देखिए हमारा चना चाट बनके तैयार हो चुका है। इसको मैंने प्लेट में डाल दिया है, देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये चना चाट बनके तैयार हो चुका है। इस तरह का रेसिपी आप लोग घर पर जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसा बनता है कमेंट करके बताइएगा। आशा करती हूँ इस तरह का रेसिपी आप सभी लोगों को जरूर ही पसंद आएगा। और इस रेसिपी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।